हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स की जो सेक्शन 43B क्लोज एच के बारे में। यानी कि सेक्शन ये कहता है कि आपको अपने सप्लायर्स को 15 दिन या फिर 45 दिन के अंदर पेमेंट करनी होगी अगर आपका सप्लायर्स MSME के अंदर रजिस्टर्ड है। अगर वो रजिस्टर्ड है या तो वो माइक्रो में होगा या स्मॉल में होगा या फिर वो मीडियम में होगा। अगर वो मीडियम में है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो सप्लायर्स की पेमेंट करनी है वो केवल माइक्रो और स्मॉल की कंडीशन के अंदर ही करनी है। लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा कि जो हमारा सप्लायर है वो MSME माइक्रो में है या फिर वो स्मॉल में है या मीडियम में है, तो हमें किस तरीके से उसको वेरीफाई करना होगा। तो वेरीफाई करने के लिए आपको सिंपल जो हमारी वेबसाइट है udyamregistration.gov.in इस पर आ जाना है। और यहाँ पर MSME ने एक फीचर्स को अपडेट कर दिया, यहाँ पर वो है वेरीफाई उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। यहां पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप जो भी आपका सप्लायर है उससे आप उनसे जो उनका MSME नंबर है उद्यम रजिस्ट्रेशन का नंबर वो आप मांगोगे। तो आप एक बार उनके टैक्स इनवॉइस को जरूर देख लीजिएगा, अगर वो टैक्स इनवॉइस पर मेंशन किया हुआ है तो यहां से आप लिख सकते हो, अदरवाइज आप उनसे व्हाट्सएप या फोन के द्वारा मेल के द्वारा मंगा सकते हो। तो जैसे हम उसको उद्यम रजिस्ट्रेशन का नंबर यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद भी जो कैप्चा कोड हम यहाँ पे डालेंगे और इसको वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई करने के तुरंत बाद हमारा इस तरीके से डैशबोर्ड खुल जाएगा। वहां पर उसका उद्यम सर्टिफिकेट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहां पर खुलेगा। नेम ऑफ एंटरप्राइजेस, यहां पर उसका जो आपका सप्लायर होगा उसका नाम होगा। और उसके बाद में आपका जो यानी कि सप्लायर है वो किस कैटेगरी के अंदर है, माइक्रो स्मॉल या मीडियम के अंदर, तो वो आपको यहां से पता चलेगा। इसका जो डाटा है हमारा एंटरप्राइजेस टाइप यानी कि वो स्मॉल की कैटेगरी के अंदर है। अगर यहां पर लिखा होगा मीडियम तो आपको आगे जानने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद में थोड़ा सा आप जैसे स्क्रॉल डाउन हम करेंगे तो उसके बाद में उसकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी, उसका एड्रेस वगैरह आ जाएगा। लेकिन अगर आपका वो माइक्रो है और MSME और या स्मॉल में है तो आपको उसकी पेमेंट 45 या 15 दिन के अंदर करनी पड़ेगी। ये किस कंडीशन के अंदर करनी पड़ेगी इसके ऊपर हमने CSR के साथ बैठ के एक सेपरेट वीडियो तैयार किया, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऊपर आपको आई बटन के अंदर भी मिल जाएगा। इसके अंदर हम उन्हें वो सारी छोटी छोटी बातें हैं जो अकाउंटेंट के व्यू से हमने क्लियर करी है, और काफी सारे आप लोगों ने उस वीडियो को प्यार भी दिया है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज एक बार आप जरूर देखिए, और उसके बाद देखने के बाद अगर आपकी कोई क्वेरी बचती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम डेफिनेटली उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो और लेके आएंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अकाउंटेंट लोगों के साथ शेयर जरूर करें।